हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं अभी उठी हुई हूँ और बिस्तर में ही पड़ी हुई हूँ, और उधर में मेरा सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है बक्सा के ऊपर में, और बिस्तर भी नहीं उठाया है मैंने। तो गाइस, आज मुझे लेट हो गया उठने में, और अभी ठंडा का सीज़न है इसलिए जल्दी उठने का मन नहीं करता है। तो अभी मैं चलती हूँ बिस्तर वगैरह उठाने के लिए, और मुझे बहुत सारा काम भी है आज। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग में दिख रही हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, ड्यूटी जाती है इसलिए। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, बहुत तकलीफ़ होता है कि मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। गाइस, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आज मौका मिला है तो ब्लॉग बना रही हूँ। और आज भी मेरा छुट्टी नहीं है, फिर भी आज थोड़ा सा लेट से ड्यूटी जाऊंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ कुछ काम कर लेती हूँ, ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा। और अभी मैं चलती हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए, पहले मैं बिस्तर उठा लेती हूँ। तो चलिए फिर पहले बिस्तर उठा लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह भी बनाना है। मैंने बिस्तर ठीक कर लिया है, और ये देखिए मेरा बिस्तर अभी अच्छा दिख रहा है। और उधर में मेरा जो बक्सा है उसे भी मैंने सजा दिया है, सारा सामान को मैंने सेट कर दिया है। और अभी मैं चलती हूँ खाना सब्जी बनाने के लिए, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी मैं। तो गाइस, फाइनली मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, और कपड़ा भी मैंने चेंज कर लिया है। और अभी मैं क्रीम लगाने वाली हूँ, जो मैं क्रीम नाइट में लगाती हूँ वही क्रीम मैं लगा रही हूँ। ये क्रीम मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से लिया था, ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे चेहरे पे झाइयाँ बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैं यही वाली क्रीम लगाती हूँ। क्योंकि जब मैं ये क्रीम लगाती हूँ तब मेरा चेहरा जो है कि क्लीन हो जाता है, जब क्रीम छोड़ देती हूँ तो फिर से मेरे चेहरे में छाइयाँ आ जाती है। तो गाइस, आप लोग भी मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं क्या लगाऊँ जो कि मेरे चेहरे की झाइयाँ हट जाए। बहुत परेशान हूँ मैं अपनी झाइयों से, मेरे नाक में हो जाता था और प्लस इधर साइड साइड फेस में भी हो जाता था, जो कि मैं बहुत परेशान रहती थी। हमेशा मैंने क्रीम लिया डॉक्टर की जगह से, प्लस स्किन डॉक्टर से भी दिखाया तो भी नहीं छूटा। तो बाद में मैंने लास्ट में ये होम्योपैथी डॉक्टर से लिया, इससे थोड़ा बहुत मेरा स्किन में जो झाइयाँ आ जाते थे वो कम हो गया है। तो अभी मैं इसी के ही लगाती हूँ, तो अभी मैं इसे लगाने वाली हूँ। ये क्रीम मुझे पर डे लगाना पड़ता है, अगर मैं इसे लगाना छोड़ देती हूँ तो मेरे चेहरे पे फिर से झाइयाँ आ जाती हैं बार बार। गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ जो कि मेरे चेहरे की झाइयाँ जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। बॉल को मैंने काट लिया है गाइस, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी, आधा जग पानी, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, इसे क्या है कि ऑल की जो खुजली है थोड़ा सा हट जाएगा। और इसे 5 मिनट रख देंगे, उसके बाद फिर इसे फ्राई करेंगे निकाल के। तो पहले अभी भीगने दे लेते हैं। ऑल की जो कुलकुलाहट जब तक नहीं कम हो जाता है तब तक अभी उसे रहने देते हैं 5 मिनट। 5 मिनट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसे फ्राई करेंगे। तो जब तक 5 मिनट नहीं होता है तब तक अभी मैं चलती हूँ झाड़ू वगैरह करने के लिए, उसके बाद फिर ऑल को निकाल के फिर फ्राई करेंगे। तो गाइस, 5 मिनट हो गया है मेरा, और मैं अभी इसे प्लेट में निकालने वाली हूँ। और इधर में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, कढ़ाई मेरा गरम हो रहा है। अभी इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसे निकाल के फ्राई करेंगे।
ऑल को मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। ये देखिए मछली के जैसा दिख रहा है ये ऑल, बिल्कुल हल्का हो गया है ये फ्राई करने के बाद। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। और इधर में मैंने प्याज को डाल लिया है तेल में, मेरा मसाला तैयार है और अब इसे हम लोग पकाना शुरू करते हैं। प्याज मेरा भुजा गया है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा था, इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद हम मसाला डालेंगे। और अब एक चम्मच हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और अब मिक्स मसाला। टमाटर जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था इसे भी डाल देते हैं। और मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक मैं कम ही डालूँगी क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था, एक ही चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अभी इसे चला देंगे अच्छा से, और इसे तब तक नहीं अब टमाटर को हल्का सा गलने दे लेते हैं, उसके बाद फिर जो हमारा ऑयल है तला हुआ उसे डालेंगे हम, हल्का सा आंच बढ़ा देते हैं। थोड़ी देर ढक के रखा देते हैं। गाइस टमाटर मेरा गल गया है, ये देखिए अच्छे से गल गया है। और अब इसमें जो ऑयल की सब्जी है उसे डाल देंगे और चला देंगे हल्का सा। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, हल्का सा ही डालना है। वैसे तो ये पक गया है, ज्यादा पकाना भी नहीं है, थोड़ा सा इसे खोलने देते हैं, हल्का सा पानी सोख देते हैं, उसके बाद फिर इसे उतार देंगे। मेरा सब्जी बनके रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, काफ़ी टेस्टीदार दिख रहा है, मेरा सब्जी बन गया है। और अब मैं चली नाश्ता करने। मेरा खाना हो गया और बहुत अच्छा लगा आज ऑल का सब्जी खा के, और फर्स्ट बार मैंने ऑल की सब्जी टमाटर के साथ बनाया है क्योंकि मैं पहले इमली के साथ बनाया करती थी, मुझे नहीं पता था कि ऑल की सब्जी टमाटर के साथ भी अच्छा लगता है। तो फाइनली आज पहली बार मैंने ऑल की सब्जी टमाटर के साथ बनाया है और उसका अचार भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं चलती हूँ तैयार वगैरह होने के लिए, ड्यूटी जाना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और बाकी का काम है वो मैं ड्यूटी से आके करूँगी। तो मिलते हैं फिर आप लोग से शाम में। मैं अभी अभी आ रही हूँ ड्यूटी से और आप लोग देख सकते हैं मैंने कपड़ा भी चेंज नहीं किया है और फ्रेश भी नहीं हुई हूँ मैं। तो अभी मैं चलती हूँ, पहले फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ, फिर आप लोग से आके मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और
कपड़ा भी मैंने चेंज कर लिया है और अभी मैं क्रीम लगाने वाली हूँ। जो मैं क्रीम नाइट में लगाती हूँ वही क्रीम मैं लगा रही हूँ ये क्रीम। सो गाइस, अगर आप लोग को भी स्किन का प्रॉब्लम है, जिसके भी चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो आप लोग भी ये वाली क्रीम लेके लगा सकते हो। ये देखिए, इस क्रीम का नाम है आपका कोकोआ बटर। ये आपको होम्योपैथी डॉक्टर से ही मिलेगा। मेरा चेहरा में बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरा आईब्रो आसपास भी इधर ऊपर में बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी मेरा एक भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए आप लोग। मेरा नाक में भी हो गया था, साइड साइड में, इधर फेस में भी हो गया था। तो मैंने इसे लगाया, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। तो आप लोग भी ये वाली क्रीम लेके लगा सकते हो। ऑफलाइन ही शायद मिल सकता है, मैंने ऑनलाइन कभी देखा नहीं है। तो ये आपको होम्योपैथी डॉक्टर से ही मिलेगा, आप लोग भी कभी ट्राई करना। तो चलिए फिर, अभी मैं चलती हूँ कॉफ़ी पीने, और आज की ये वीडियो मैं यहीं तक एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।